जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बहुत से जाने मानी हस्तियों का योगदान रहा है, जिसमें से महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जामिया को एक नया मुकाम हासिल कराया। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हस्ती के बारे में जिन्हें लोग आपा के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन थी आपा, क्या था उनका योगदान और किस तरह जामिया को एक अच्छे मुकाम तक लेकर आए। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपा से जुड़े कुछ ऐसे आश्चर्यचकित बातें जिन्हें जानकर आपको हैरानी होगी, और वीडियो के एंड में हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे विषयों पर जो कि आपा से हमें एक नई सीख देती है। इसीलिए जामिया के स्टेक होल्डर को चाहिए कि वह आपा के बारे में जाने, चाहे वो स्टाफ हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, ऑन गोइंग एंड अपकमिंग स्टूडेंट्स हो, सभी को आपा के बारे में जानना चाहिए। आपा का जन्म 30 अप्रैल 1895 में जर्मनी में हुआ था और उनका पूरा नाम गेर्डा फ्लिसबॉर्न था। जवानी से ही वो एक सोशल वर्कर रही थी। सन 1920 में उनकी मुलाकात डॉक्टर जाकिर हुसैन और उनके दो फ्रेंड्स डॉक्टर आबिद हुसैन और प्रोफेसर नजीब से हुई, और जब इन लोगों ने वापस भारत लौटकर जामिया में अपनी भूमिका निभाने की बात कही तो वह उनसे बहुत प्रभावित हुई और वह अपने बर्थ प्लेस को छोड़कर जामिया आ गई। जामिया वो आई 1932 में और ठीक एक साल बाद उन्होंने जामिया नर्सरी स्कूल और डे केयर सेंटर को इस्टेब्लिश किया। गेर्डा का नेचर इतना पोलाइट था कि लोग उन्हें अपनी बड़ी बहन और आपा जान के नाम से पुकारने लगे, और उनके साथ जुड़े हर यंगस्टर के लिए वो एक उनकी मेंटोर और गाइड बन गई थी। और वो ज़्यादातर इंटरेस्ट जो है वो जामिया के बच्चों और वुमेंस की एक्टिविटीज़ में लिया करती थी और उन्हें ही सपोर्ट करती थी। आपा ने अपनी लाइफ के 10 ईयर्स जामिया के ही नाम कर दिए, और उन्होंने जामिया से इतना लगाव था कि वो वापस गई ही नहीं, और 14 अप्रैल 1942 में उनकी डेथ हो गई। पर आश्चर्य की बात यह है कि गेर्डा फ्लिसबॉर्न जो कि जामिया की आपा, वह एक यहूदी महिला थी। एक यहूदी महिला ने अपनी मातृभूमि को छोड़कर 10 साल अपनी ज़िंदगी के जामिया को दिए, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि एक यहूदी महिला ने जामिया को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। उस मुस्लिम कौम के लिए यह एक सीख है जिन्हें ऐसा महसूस होता है कि यहूदी लोग बुरे होते हैं। तो दोस्तों, आपा जान ने ये साबित कर दिया है कि इंसान कौम से नहीं कर्म से याद किया जाता है, और आपा जान ने भी अपनी लाइफ में सोसाइटी के लिए इंसानियत के नाते बहुत से योगदान दिए हैं और एक इंटर रिलीजियस गैप को ख़त्म करने की नई सीख दी है। दोस्तों, आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि आपा जान की ग्रेव यानी कि उनकी कब्र जामिया के कब्रिस्तान में ही मौजूद है। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहीं रहा ग्रेडा आई जामिया, और उनके स्नेह और प्यार ने जामिया को एक नई मंजिल दी और लोगों ने उन्हें एक नया नाम आपा जान। तो इस तरह दोस्तों बनी ग्रेडा जामिया की आपा जान। आज भी जामिया का डे केयर सेंटर गेर्डा फ्लिसबॉर्न के नाम से जामिया मुशीर फातिमा में रन कर रहा है, और एक गर्ल्स हॉस्टल भी है जो जामिया में गेर्डा फ्लिसबॉर्न गर्ल हॉस्टल के नाम से मौजूद है। हे दोस्तों, अनअकैडमी लेके आया है जेईई नीट फाउंडेशन कोर्स फॉर क्लास 8, 9 and 10 एंड NTSC नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट। ये जो टेस्ट होने जा रहा है वो 14 फरवरी को टेस्ट होगा, और सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे तक टेस्ट होगा, और ये जो टेस्ट होगा बिल्कुल फ्री है। और फ्री कब हो जाएगा? जब मेरा कोड आप यूज करेंगे तो ये कोर्स फ्री हो जाएगा। अब इस टेस्ट में आपको क्या क्या मिलेगा? सेपरेट टेस्ट होगा क्लास 8वीं का, 9वीं का और 10वीं का। टेस्ट जो होगा वो NCERT पैटर्न्स पे होगा, और थोड़ा एडवांस लेवल होगा कि आपका जेईई नीट का फाउंडेशन कोर्स को कवर किया जाए। जो इसमें क्वेश्चन सेट किया जाएगा वो देश के बेस्ट एजुकेटर सेट करेंगे और आपकी तैयारी अच्छी करवाएंगे। डिटेल एनालिसिस होगा हर एक टेस्ट के बाद, और अटेम्प्ट आप इसको लाइव कर सकते हैं, और जैसे आप अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद आपका ऑल इंडिया रैंक भी आ जाएगा तुरंत। और इसके साथ साथ आप एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं, और
प्राइजेस के साथ साथ आप स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। आपको ये टेस्ट क्यों देना चाहिए, आप अपने आप से सवाल पूछिए या मुझसे सवाल पूछिए। देखिए, टेस्ट का प्रिपरेशन हो जाएगा, आप जेई नीट का फाउंडेशन का टेस्ट अभी से ध्यान देंगे तो आपका जेई नीट हलवा बन जाएगा। आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जेई नीट का एग्जामिनेशन, क्योंकि जब जड़ मजबूत होगी, फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा, तो इसके ऊपर बिल्डिंग 500 माला 500 तल्ला बना सकते हैं। जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तब, इसलिए फाउंडेशन स्ट्रांग बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब आप देखिए, अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो हमेशा आप बीट करेंगे, ऑल इंडिया रैंक मिलेगा, आपको एक्साइटिंग प्राइजेस मिलेंगे। जैसे रैंक 1 से 5 आएगा तो आपको 1000 का अमेज़न वाउचर मिलेगा, अमेज़न पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। स्कॉलरशिप आपको 3500 रुपया का मिलेगा, और जिसका रैंक 6 से 10 तक आएगा उसको सब्सक्रिप्शन प्लस वाउचर मिलेगा, 750 रुपया का अमेज़न वाउचर मिलेगा और स्कॉलरशिप मिलेगा 3500 रुपया का। एनरोल करने के लिए आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये वाला लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा, वहां एनरोल करने का ऑप्शन आएगा, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उसके बाद आप मेरा इनवाइटिंग कोड टीबीआईटी यूज करके आप एनरोल कर सकते हैं, क्लास 8वीं वाले, 9वीं वाले और 10वीं वाले। तो ये वाला जो टेस्ट सीरीज है, जरूर इस पे आप अप्लाई कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है।